हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ जीटीए 5। और मैं आज माइकल बनाऊं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, माइकल भी नहीं बने। और माइकल जी, आंटी जी कैसी हो? ठीक हो? और ये मेरे बच्चे वगैरह, एक मेरी वाइफ है। हेलो भाई, कैसे हो? भाई क्या बेटा, वो कैसे हो? बेटी हो, कैसे हो? तो इतने टाइम से फ्रैंकलिन इतना ज़्यादा बड़ा काम करे जा रहा है और मैं अभी तक वैसे ही नल्ला बैठा हूँ, तो मेरी भी इज्जत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ अभी अलग करने वाला हूँ। इसलिए हम इस बार कुछ बड़ा काम करेंगे और कुछ बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो फ्रैंकलिन को सिखाया मैंने, लेकिन बहुत टाइम से वही हर जगह नाम गूंज रहा है, तो हमें अपनी छाप फिर से लगानी पड़ेगी, मतलब अपना नाम फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ा नाम बनाने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, मतलब अच्छी वाली गाड़ी। तो अच्छी वाली गाड़ी कहाँ मिलेगी पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, मैंने एक आदमी को कह तो दिया है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी, तो मैं उसी से मिलने जाऊंगा। उसके पास एक गाड़ी होगी तो वो मैं लेके आऊंगा। तो फटाफट चल लेते हैं, एक बार मैं उसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ रहता है वो। चलो एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। ओ थार, ये कौन है? हेलो भाई साहब, लोग कैसे हो? मतलब गटक के पास में ही हर जगह शुरू हो जाता है, मतलब क्या लोग है, वाह। देखो वो तो मजे में, उसे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हेलो भाई लोग, क्या एक बोतल मेरे नाम भी कर दो। हेलो, ये देखो, ये भी बॉलीवुड बनने जा रहे हैं। और भाई तू क्या कर रहा है? उल्टी भग, यहाँ से निकला, यहाँ से फालतू में आए बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनने, यहाँ आए अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। अरे हर कोई ये गांजा वगैरह फूक के बड़ा आदमी नहीं बनता, ठीक है? दिमाग चाहिए उसके लिए, दिमाग। फालतू लोग, और ये कहा जा रहा है, इसको तो मैं सलमान खान बन के मारूंगा। ये चलो गया ये। तो गाइस मैं उस आदमी के पास साथ हो गया, उसने कहा यहीं पे आओगा, मतलब ये पास वाली गली के अंदर ही होगा शायद, इधर आसपास ही होना चाहिए। कहाँ पे गया वो आदमी, कहाँ पे गया? यहीं पे तो कहा था उसने। हेलो भाई साहब, कहाँ गए? हेलो, पता नहीं, उसे ढूंढना पड़ेगा, ये आसपास की गलियों में डूब गया होगा। ओ ये तो, ये इसने गाड़ी नहीं लाई। एक सेकंड में से बात करता हूँ भाई, इतनी मेहनत से आप आओ, वो फिर बोलेगा गाड़ी नहीं है, ठोक डालूँगा अभी तो इसको। तो गाइस मेरी इससे बात होगी, इसने बोला कि मेरा आदमी मेरे घर के अंदर जो गैराज है वहाँ पे पार्क कर देगा। तो चलो अपने घर पे चलते, चेक करते उसने गाड़ी दी कि नहीं, फिर जाके मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, मन तो ऐसे ही थोड़ी करूँगा इंडिया ने। ठीक है, चलते अपने घर पे। ये गाइस तो मैं पहुँच गया अपने घर पे। देखो बड़े लोगों का घर, ऑटोमेटिक डोर, मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, मतलब अभी तो अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो फिर बड़े लोग समझेंगे मुझे। चलो मेरा घर का रास्ता ही मैं भूल गया, यहाँ से कहाँ पे गया? मैं भी फालतू में घूम के आ रहा हूँ इधर से, यहाँ पे ही होना चाहिए। चलो देखते हैं मेरी गाड़ी में, गैराज में है क्या गाड़ी? गाड़ी तो नहीं है। अबे वो लगता है फिर से वो भी फूक के आए। एक सेकंड उसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। ओह सॉरी सॉरी गाइस, मेरी गलती, ये वाला गैराज नहीं, मतलब मेरा जो पर्सनल गैराज है वो वहाँ पे। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, फालतू में घुमा लिया यार, पहले ही कह देता कि वो वाला गैराज है, मेरे को यहाँ पे घूमना नहीं आना पड़ता। चलो चलते हैं अपने वो वाले गैराज में, मेरा वो वाला गैराज तो इधर पास में ही है। तो चलो पहुँच गया मैं जैसे तैसे सलमान खान बन के फुटपाथ पे चला के पहुँच ही गया मैं। तो यहीं पे होना चाहिए, हट जा, मैंने ड्राइविंग सलमान जी से सीखी है। तो चलो इसमें ही है अपनी गाड़ी, इसमें ही होनी चाहिए, कहा तो इसी में था। ओ वाओ, ये रही गाड़ी, गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया दी यार। चलो इसको ड्राइविंग करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कैसी है। चलो चला तो मैं लूँगा, उसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाह यार मस्त गाड़ी है, मैं ये कलर रहने दूंगा अगर मेरे को मॉडिफाई करानी है हो तो। चलो मैं सबसे पहले मॉडिफाई करा लेता हूँ इसको,
अच्छी खासी। अपने फ्रैंकलिन का वो है गैराज है, वो फ्री में करके देगा। वाह यार मस्त गाड़ी लगी यार कसम से। चलो अभी बड़े लोगों की बड़ी गाड़ी आ गई, अभी से बड़ी गाड़ी को और मॉडिफाई करेंगे तो और बड़े लोग बन जाएंगे। ये हमारा हम बड़े M200 हो जाएंगे। तो ये मेरा कुछ फॉर्मूला है बड़े बनने का। चलो गाड़ी तो हो गई, अब मेरे को फ्रैंकलिन का कहाँ पे गया, इधर है। तो चलो फ्रैंकलिन फ्री में करके देगा मॉडिफाई हमको, तो चलते उसके फ्री के मैकेनिक के पास। You got lucky, buddy. चलो जल्दी से निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी बढ़िया है। चलो गाइस मैं पहुँच गया फ्रैंकलिन के सस्ते मैकेनिक के पास, देखते हो अच्छी कैसी मॉडिंग करके देगा मेरे को, मॉडिफाई करके देगा। गाड़ी तो अच्छी मॉडिफाई करवा ली है मैंने, बस मैंने कलर चेंज नहीं करवाया क्योंकि मेरे को ये कलर ज़्यादा पसंद आया। बाद में फ्यूचर में पता नहीं कभी कलर चेंज करवा लूँ, लेकिन अभी तो मन नहीं है मेरा ये कलर चेंज करवाने का। बहुत मस्त लग रहा है, मतलब इस गाड़ी पे सूट कर रहा है। चलो अभी घर पे चल लेता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, सो लेता हूँ मैं। और अब तो बड़े आदमी बन चुके हैं तो फिर बड़े लोगों जैसे हरकतें नहीं चाहिए, चपरासी वाली हरकतें नहीं चलेगी। तो चलो ये देखो, अभी कहा था चपरासी वाले हरकतें नहीं चाहिए, अभी ठोक दी गाड़ी। नई गाड़ी है यार, संभाल के रखनी पड़ती है। चलो अभी स्टाइल से चलते हैं अपन, एकदम सल्लू भाई। चलो हेलो बच्चों मैं घर पे आ गया। हेलो घर पे कोई नहीं है, ओ मेरी वाइफ की आवाज़ है मुझे लगा, सॉरी कभी कभी डर जाता हूँ मतलब। मेरी बेटी घर पे है, बेटी घर पे हो, पार्टी करने गई होगी। मेरा बेटा कहाँ गया, गेम तो नहीं खेल रहा। चलो अच्छा है, वरना भी ठोक देता उसको, पूरे दिन गेम खेलते रहता है बेशरम कहीं का। तो चलो अब गाइस मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, तो बड़े लोगों जैसे स्टेटस वगैरह डालने पड़ेंगे मेरे को। तो चलो एक अच्छा सा फ़ोटो खींचते अपना, वो भी मिरर वाला, सेल्फी वाला, मतलब जैसे लोग आईफोन दिखा के कांच पे करते ना वैसे। तो एक इंस्टाग्राम के लिए, एक स्टेटस के लिए। चलो ये रख में रखा है मेरा, और नीचे कोई भी छपरी वाला सो लगा दूंगा कोई स्टेटस। चलो ये वाला ये सीख ठीक लग रहा है। चलो ये हो गया इंस्टाग्राम के लिए। एडिटिंग तो जाने दो, आईफोन अच्छी एडिटिंग ही होगी। और ये वाला हो गया मेरा स्टेटस के लिए। मौत को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मतलब डॉन को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। चलो ये हो गया हमारे स्टेटस के लिए, अभी चलो इसको अपलोड कर दूँगा। चलो अभी सोने चलता हूँ मैं, बहुत रात हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। चलो मैं बड़ा आदमी हूँ, उठ चुका हूँ सही टाइम पे, सुबह के कम से कम पता नहीं 9-10 बज गए होंगे। चलो आज का काम मेरे को बड़े लोगों जैसे बिहेवियर करना है। सबसे पहले मेरे को बड़े लोगों जैसे बाल वगैरह सेट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आज मैं बाल वगैरह कटवाने जाऊँगा, कोई अच्छी चीज़ दाढ़ी वगैरह करवाऊँगा। ये दाढ़ी तो मेरे को बियर्ड ये सूट लग रही है, अच्छी लग रही है। और बच्चे लोग कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया मज़े में? चलो मेरे को सुबह का काढ़ा पी लेता हूँ, ये रहा मेरा काढ़ा, एनर्जी मिलती है मुझे। या चलो एनर्जी आएगी, बड़े लोगों की एनर्जी इसी से आती है। तो चलो गाइस बन गया मैं बड़ा लोग, अभी मेरे को एक अच्छे से हेयर कट करवाने पड़ेंगे जैसे बड़े लोग करवाते हैं। तो चलो मैं अपनी बड़ी वाली मस्त वाली फेमस वाली गाड़ी पे जाऊंगा, ये सस्ती वाली गाड़ी में नहीं। मेरी बेटी भी पता नहीं कैसी सस्ती गाड़ी चलाती रहती है, फिर फेसबुक पे डालती रहती है फालतू की डीपियाँ। चलो ये होती है कुछ गाड़ी तो बढ़िया सी। चलो अभी बड़े लोग जैसे गाड़ियाँ चलाएंगे बिना ठोके, मतलब एकदम जेंटलमैन के जैसे बिना ठोके। चलो आराम से स्पीड नहीं बढ़ाना, अपनी औकात के बारे इस गाड़ी को हैंडल करना। चलो अब मेरा सबसे पहले बाल कटवाने हैं, ये रहा मेरा महंगा वाला सलून, यहाँ पे अच्छे वाले मस्त बाल काटूँगा नहीं मतलब बढ़वाऊँगा, क्योंकि मेरे को ये बड़े बाल चाहिए, एकदम
मलिंगा टाइप। चलो सलून तो पास में ही है, फटाफट पहुंच जाऊंगा। और कपड़े भी मेरे को अच्छे मस्त सूट वगैरह पहनने पड़ेंगे, फिर लगेगा एकदम बैड एस। तो ये रहा, और गाड़ी भी अच्छे से जेंटलमैन जैसे पार्क करनी है, एकदम बड़े आदमी जैसे। तो गाड़ी अच्छे से पार्क कर ली, चलते अपने बाल कटवाने एकदम आराम से, धीरे भिखारियों जैसे नहीं भागना, आराम से आराम से। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया, ठीक है। मेरे बाल काटने मतलब उगाने हैं, जादू मंत्र टोका तलंतर जो भी करना है तेरे को कर, मेरे बाल बड़े चाहिए, ठीक है। मेरे को ये फुल ग्रोन टकला नहीं बनना, ये वाली, ठीक है, बढ़िया मस्त मलिंगा स्टाइल लगा ले। चलो वाह, अच्छे लग रहे हैं बड़े बाल। बियर्ड मेरे को चेक करनी पड़ेगी, कोई अच्छी स्टाइल वाली है नहीं, फुल बियर्ड अच्छी लग रही है, एकदम अनिल कपूर लग रहा हूँ। चलो भाई ठीक है, चल बाय। चलो ये सेव कर देता हूँ। तो गाइस बड़े लोगों जैसे हेयर कट हो गए, अब बड़े लोगों जैसे कपड़े भी चाहिए मेरे को, ये रोज़ रोज़ एक कपड़े के बड़े लोग नहीं पहनते। और मैं बड़े लोग इसलिए बन रहा क्योंकि कोई भी मैं अपने दोस्तों से मिले तो वो बोल के वाह बड़े लोग आ गए, यूँ ना हो कि मैं बोलूँ, समझ रहे हो वैसे। तो चलते अपने अच्छे महंगे वाले अच्छे कपड़े वाले के पास जो अपने को अच्छे से कपड़े सी के देगा। चलो पहुँच गया मैं एकदम महंगे वाले कपड़े वाले के पास, बहुत पैसे अपने पास बहुत है, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है। चलो भाई देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ओ भाई अंदर आने की भी औकात रखा करो, ठीक है। चलो एकदम सूट वगैरह लूँगा, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह कुछ नहीं। वाह ये वाला बढ़िया था, बाकी चेक भी कर लेता हूँ, सारे चेक कर लेता हूँ पहन के। ना ना ये बढ़िया लग रहा है, एकदम सल्लू भाई टाइप। चलो चलते अपन। चलो और कुछ तो नहीं लेना मुझे, बड़े लोग बन गए, बड़े कपड़े हो गए, बड़े अच्छे बाल हो गए, अब चलो अपने घर पे चलते हैं, और कुछ तो बाकी रहा नहीं है। चलो बड़ी गाड़ी हो गई है, अब तो एकदम बड़े लोग बन चुके हैं। तो अब मेरे को क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा कोई अच्छी जगह खरीद लूँ, ये मेरा थिएटर एक खरीद लेता हूँ, मेरा नहीं है मतलब खरीदने वाला हूँ। कितने का है? ओ बस मतलब 30, कितने का है? 3 मिलियन का है, कोई नहीं खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, अच्छा थिएटर है, फ्री में पिक्चर वगैरह देखूँगा। एक और खरीदूँगा मैं, एक से अगर एक फूल है तो दूसरे में चला जाऊँ, वैसे मेरे लिए सीट खाली रहेगी, मतलब क्या पता एक में अच्छी पिक्चर नहीं लग रही तो दूसरे में चेक करने जाऊँगा, ऐसा मेरे को दिमाग है, बड़ा बिग ब्रेन है। चलो आ गया यहाँ पे, ये वाला थिएटर भी मैं खरीदूँगा, अभी से फ़ोटो मत लेना है, अभी बड़े आदमी हूँ, अभी से फ़ोटो क्यों ले रहा है? ये 1 मिलियन का है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सस्ता है चलेगा, कोई नहीं, थिएटर थिएटर होता है, पिक्चर देखने के लिए चाहिए। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने घर पे, सारा काम तो हो चुका है। चलो चलते हैं अपना, आज का काम तो हो चुका है, चलो आज के लिए इतना। Meanwhile, गाइस एक आदमी का फ़ोन आया, पता नहीं कौन था, लेकिन वो मेरे को धमकियाँ दे जा रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा, वो कर दूंगा वगैरह वगैरह। और उससे मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं जैसे तैसे यहाँ पे आया, पता नहीं क्यों बुलाया मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। एक बार यहाँ पे आ लेता हूँ, कसम से ये पता नहीं इतना अच्छा दिन जा रहा है, बड़े लोग बन गए थे, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे को यहीं पर बुलाया। चलो पहुंच तो गया, पता नहीं वो कहाँ पे है, मुझे तो टेंशन आ रही है, मेरी गाड़ी वगैरह कोई ले तो नहीं लेगा यार, फिर से छोटे लोग जैसे कौन काम करेगा। चलो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है जिसलिए मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहा हूँ। हाय एक तो इतने लंबे बाल, टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Meanwhile,
ओ बाप रे गाइस, मुझे फ्रैंकलिन का फ़ोन आया। मतलब फ्रैंकलिन को किसी ने किडनैप कर दिया, और उसी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमने फ्रैंकलिन को किडनैप कर दिया, और वो हमारे बेटे जैसा है, तो हम उसे छोड़ तो नहीं सकते। भले ही मैं उससे जलता हूँ, लेकिन बेटा बेटा होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जाने जाएंगे फ्रैंकलिन को। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।